केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर शनिवार 25 फरवरी 2023 को प्रदेश की राजधानी रायपुर पधारे। अपने संक्षिप्त प्रवास में उन्होंने राजधानी रायपुर में आयोजित दो प्रमुख कार्यक्रमों में शिरकत की। नेहरू युवा केंद्र और IIM द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में वे शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनकी अगवानी की दूरदर्शन छत्तीसगढ़ और आकाशवाणी रायपुर के अधिकारियों और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कर्मियों ने इस अवसर पर विमानतल पर प्रदेश भाजपा के विभिन्न कार्यकर्ता और अधिकारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विमानतल से मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर राजधानी रायपुर के रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम इंडिया एट द रेट 2047 में शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ रायपुर के सांसद श्री सुनील सोनी और रायपुर दक्षिण के विधायक श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SK सिंह और नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य संचालक श्रीकांत पांडे भी उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हम डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री कैसे हों, उस दिशा में हमें अपना योगदान देना है। और जब एक विकसित भारत बनेगा तो उसमें हर वर्ग का उत्थान होगा, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। वी विल बी एबल टू इंप्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वी विल बी एबल टू अचीव दैट बिफोर 2030, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ दूसरी बात कही, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना। और ये इसलिए जरूरी है कि अगर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर राजगुरु से लेकर बाकी सब ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, तो अपनी युवावस्था में फांसी के फंदे को भी चूमकर ये सोचा कि मेरे भविष्य का युवा, उसको बलिदान देने की जरूरत नहीं, उसको केवल योगदान देकर अपने भारत को आगे बढ़ाना है। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, हमें तो पंच प्रण को अपनाने का काम करना, उसको निभाने का काम करना है। अगली बात आती है एकता एकजुटता की, ये चौथा प्रण है। भारत जहां पर हजार से ज्यादा डायलेक्ट्स होंगे, कई भाषाएं होंगी, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जब हम कहते हैं, विविधता में एकता, उसको निभाने का काम देश ने हजारों वर्षों तक किया है। हम भाई बहन बन के रहते हैं, आपसी भाईचारा बनाकर रखते हैं, और हमारी ये ताकत दुनिया सोचती है कि यूरोप के 28 देशों को इकट्ठे रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनसे ज़्यादा बड़ी आबादी का हमारा 140 करोड़ का देश, दुनिया भर की ताकतें आज तोड़ने में लगी हैं। कोई वहाँ से प्रहार करता है, कोई अपने चैनल का उपयोग करता है, कोई बिलियनेयर का उपयोग करता है, कोई किसी रिपोर्ट का उपयोग करता है, कोई कितने भी उपयोग या प्रयोग कर ले, ये भारत की एकता एकजुटता को कोई तोड़ नहीं पाएगा मेरे भाइयों। स्थान ऐसा है जहां पर चाय वाला साइड पे बैठा हुआ था और एक सब्जी की रेडी खड़ी थी, तो उसके आगे कंपनी का QR कोड और उसका नाम लिखा हुआ था। तो उसने कहा, यार ये तो अमेरिका में भी नहीं होता कि किसी स्टोर में जाके आप QR कोड देखो और सब करो, हिंदुस्तान की सब्जी वाला और चाय वाला भी आज UPI के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर देता है, ले लेता है। और आप देखिए भारत ने क्या कर दिया, मोदी जी की सोच, मैं कई बार सोचता हूँ कहाँ सोचते हैं। ये जो जैम ट्रिनिटी की बात है, जनधन आधार मोबाइल की, आज गरीब से गरीब व्यक्ति के पास अपना बैंक खाता है, 28 करोड़ से ज्यादा के पास अपना डेबिट कार्ड है, रुपए कार्ड है, और हर किसी के फोन पे आज पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा है। तो सिंगापुर के साथ भारत ने UPI प्लेटफॉर्म की जो संधि की, अब पीपल टू पीपल भी पेमेंट्स वहां पे हो पाएंगी। अब ये सिंगापुर ही नहीं, दुनिया भर के देश कतार लगाकर खड़े होंगे, हमारा UPI भीम प्लेटफॉर्म अब दुनिया भर में धूम मचा रहा है मेरे भाई और बहनों। ये ताकत हिंदुस्तान के युवाओं की। युवाओं से सीधे संवाद करते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि भारत की विशेषता विविधता में एकता है,
और जब G20 अधिवेशन का जो थीम है एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, इसका भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या रिलेवेंट है, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। G20 की सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के जो सबसे 20 शक्तिशाली देश हैं उनकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य भारत को 75 सालों में पहली बार प्राप्त हो रहा है, और ये उस समय हो रहा है जब भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। हमें अपनी कला संस्कृति साहित्य तो बताएंगे ही, गौरवशाली इतिहास को भी बताएंगे, अपने कल्चर के साथ साथ अपने टूरिज्म को प्रमोट करने का काम करेंगे। ये जो दुनिया भर के देशों के 55 ऐसे स्थानों पर 200 से ज्यादा मीटिंग्स जो होंगी उसमें हजारों लोग जो आने वाले हैं, तो सीधे तौर पर आएंगे, प्रत्यक्ष तौर पर आएंगे, अप्रत्यक्ष तौर पर भी लाखों लोग आने वाले हैं। इससे हमारे कल्चर को हमारे देश को जानने का अवसर मिलेगा और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, हमारी टेक्नोलॉजी हो, हमारी अलग अलग उपलब्धियाँ इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, हमें वो भी दुनिया को दिखाने का अवसर मिलेगा और भारत में इन्वेस्टमेंट्स लाने का मौका भी मिलेगा। G20 का गठन क्यों हुआ था? जब 1992 में दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस आए, उसके बाद 2007-08 में आए, तब जाकर इसको और बड़ा समूह को किया गया। अब इसमें ज़्यादातर फाइनेंशियल क्राइसिस से जुड़ी हुई बातों पर किया जाता है। अब आपने एक विशेष में और जोड़ा कि ग्रीन का मतलब क्या, ग्रोथ का मतलब क्या, या फिर ये जो आपने टैगलाइन दे दी है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका मतलब क्या? व्हाट डज ग्रीन ग्रोथ मीन? इट विल ब्रिंग इन मोर इन्वेस्टमेंट्स, ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन ग्रोथ विल लीड टुवर्ड्स ग्रीन जॉब्स। जैसे गोवर्धन योजना, अब आपको लगता है गोवर्धन योजना क्या है, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया 500 ऐसे प्लांट्स लगाने के लिए जहां वेस्ट टू वेल्थ बनाने का काम किया जाएगा। ऐसे ही देश भर के छोटे छोटे गांव में भी वेस्ट टू वेल्थ बनाने के लिए बहुत सारी प्रयास किए गए। एक बार फिर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं इतना ही कहूंगा मित्रों, आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानी आती है और युवा थोड़ा घबरा जाता है कि अब क्या करें, रास्ता भटक जाता है। मैं तो ये कहूंगा, परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है, हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है। कार्यक्रम में सीधे संवाद के दौरान श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रोजगार के लिए शिक्षा में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में भविष्य के रोजगार को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति को स्टार्टअप के जरिए युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है। वहीं स्व सहायता समूहों को भी आर्थिक मदद दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान श्री ठाकुर ने शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बनाए गए बहु उपयोगी मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। इस ऐप से विद्यार्थी और शिक्षक विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कार्य इस ऐप के माध्यम से कर सकेंगे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें राज्य स्तरीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। हमारे देश भारत के लिए ये गर्व की बात है कि इन दिनों हमारे देश में G20 बैठकों का दौर चल रहा है।
इन्हीं बैठकों के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नमस्कार, मेरा नाम मोहित गर्ग है, मैं एसपी बलरामपुर के पद पर पदस्थ हूँ छत्तीसगढ़ में। अब हम लोग डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, बिजली पानी सुरक्षा के अंतर्गत बन रहे हैं, साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सब विकसित हो रही हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है और प्रशासन और शासन से जुड़ रहे हैं। इसी के साथ में इस सब चीज़ों का जब हम देखते हैं तो युवाओं का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है, क्योंकि इन सब क्षेत्रों में जो युवा हैं उनको जोड़ना बहुत अहमियत रखता है, उन लोगों को स्किल करना, उन लोगों को अवेयर करना, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना। मैं कशिश वर्मा हूँ, मैं यहाँ की मीडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेम्बर हूँ। जिस Y20 तरह के जो कंसल्टेशंस यहाँ पे आयोजित होते हैं भारत में, उसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है आज तक के देखा जाए तो, क्योंकि हमारे भारत का भविष्य यहाँ की यूथ ही है। उसको जितनी चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है, उसका जो मनोस्थिति बदलने की जो ज़रूरत पड़ती है, वो केवल और केवल इन्हीं कंसल्टेशंस के ज़रिए हमारी भारत सरकार हम तक पहुँचा रही है। उसका क्या मार्गदर्शन है वो हम तक पहुँचा रही है, और हमारे मुताबिक ये बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि जो G20 के नेशंस है उसका इनिशिएटिव है, और हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हो। मेरा नाम अर्षा कश्यप है और मैं IIM रायपुर की छात्रा हूँ, और मैं अभी मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस कमेटी की मेंबर हूँ। तो जो इवेंट्स ऐसे ऐसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि G20 और Y20, तो इससे यूथ को, स्पेशली Y20, तो Y20 अब आप देखेंगे तो 65% ऑफ यूथ इन इंडिया इज़ यूथ, 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ यूथ विच इज़ अंडर 35। तो आप देख सकते हैं वो नेशन बिल्ड करने के लिए आगे जा रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो पीस बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग एक बहुत ही मेन फोकस रहना चाहिए यूथ के लिए। आप पीस बिल्डिंग से आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े एग्जांपल हैं, गौतम बुद्धा बहुत बड़े एग्जांपल हैं, तो इन सब से वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, साथ साथ में इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे छोटे छोटे रोल्स प्ले कर सकते हैं जिससे वो यूथ को और एजुकेट कर सकते हैं इस एक मोटिव को आगे बढ़ाने के लिए। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम भारतीय प्रबंध संस्थान IIM रायपुर द्वारा आयोजित किया गया। इन्हीं बैठकों के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं युवा और खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा, बात कहने के लिए छोटी लगती है, और मैं मीडिया के मित्रों को याद करवाना चाहता हूँ, मुझे कलकत्ता में किसी ने कहा, दिल्ली में कहा कि क्या यात्रा शुरू कर रहे 2011 में, कौन आएगा आपके तिरंगे के लिए, कौन आएगा कश्मीर के लिए। आप विश्वास मानिए, इस देश के युवा ने उस बात को समझा कि इंडिया फर्स्ट क्या है, इंडिया फर्स्ट के पीछे भावना क्या है, तिरंगे का महत्व क्या है, अपनी फौज के साथ खड़ा होना जरूरी क्यों है, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाना क्यों है। और वो केवल एक यात्रा, एक तिरंगा झंडा फहराने की नहीं थी, वो यात्रा केवल सेना के जवानों के लिए खड़ी होने के लिए नहीं थी, वो देश के युवाओं को एकजुट करके भारत की ताकत को बढ़ाने वाली थी। आज वही नेशनल फ्लैग, जो चंद गज का कपड़ा नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की ताकत रखता है। और ये भारत की भूमि के अलावा आज दुनिया के अन्य देशों पर भी, आज कोई NRI हाथ में तिरंगा लेकर चलता है तो उसको पता है भारत के तिरंगे की ताकत क्या है। इफ यू आस्क मोस्ट ऑफ द नॉन रेजिडेंट इंडियन, दे विल स्पीक टू यू, इफ यू आस्क पीपल हु ट्रेवल ओवरसीज फॉर द लास्ट 20 इयर्स, व्हाट हैज चेंज्ड, द इमेज ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड, हाउ द वर्ल्ड लुक एट इंडिया नाउ, दे सी होप इन इंडिया, दे सी होप इन इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पावर विद देम, बिकॉज यू आर द प्रेजेंट and you are the builder of tomorrow, they see hope in you, they see hope in the youth of India, and when they see hope in you, I agree with them, because when I became the Minister of State for Finance in 2019, Prime Minister Modi called me and Nirmala Sitharaman and said,
You have to make some changes. You have to facilitate the youth of this country for their startup ecosystem. They are facing challenges. There should not be any inspector raj. They should know how to book losses. They should be allowed the income tax exemption and many other such things. And trust me, the initiative Prime Minister took at that time to handhold the youth of this country and give them an opportunity. That is all the youth need today. What they have done in the last 6 years, they have made India proud because India is the third largest startup ecosystem in the world today. We have 107 unicorns today, 107 unicorns. When the major companies in the world were dying and shutting down, collapsing, it was the Indian startups who were acquiring such large companies under their fold. So that is how, when the world was grappling with the problem, how to stay in the system or to how to stay relevant, the COVID-19 pandemic has taught us that we have to reimagine our lives, we have to reskill ourselves, we have to reboot, and we have to upskill and upgrade from time to time. It can't be stagnant that we walk out of this, I am Raipur, and say, I got a degree, now I'm done for the life. No. You will keep facing challenges with each passing day or each passing year. So I'm sure when you move out of here, not only the challenges you face in the life, but also you should look at how you can contribute. You're not here to just make your career, look after your family. Nation has great expectations from you. You have to dedicate your life for the nation also. So when Prime Minister Modi talks about punch front, five resolves, I want you to go through those five resolves and please pick up one area of concern where you want to see the change and be the change, because the charity begins at home. जब आप सोचेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में बदलाव लाना है, तो स्वयं उसके लिए कुछ ना कुछ योगदान करने की शुरुआत करें. आई एम श्योर यू गोना मेक सम चेंजेस, यू गोना मेक सम कॉन्ट्रीब्यूशंस आल्सो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज इजी टू ब्लेम अदर्स, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट. एंड थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट, एज मिस्टर प्राशर सेड, फ्रॉम 10th लार्जेस्ट इकॉनमी टू द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी. बट मिस्टर प्राशर, लेट मी रिमाइंड यू, 8 years back, world was looking at India and saying, it is the fragile, fragile economy, fragile five. Fragile economy, aise kehte the na. But from fragile to the first five, it was not easy. But it happened because of good governance, by bringing in transparency and accountability into the system and making spend the taxpayers' money in the right manner and bringing out 27% people out of the poverty line in just 5 years period. That was a big, big achievement of the government. युवाओं से सीधे संवाद करते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर. We got 24 hours in a day. How much time you want to be in the comfort zone, that you decide. But then decide rest of the time for such other things, for your education, for your family, for your friends, for your comfort zone, and some time for this country. Country for which many sacrifices have been made. Where young people like Bhagat Singh to Chandrasekhar Azad to Rajguru to others, who have sacrificed their life so that balidan unhone de diya. आपको योगदान ही देना है, केवल आप योगदान देते रहिए और देश के लिए जीते रहिए. एक बात मैं आप सबसे जरूर कहना चाहता हूं, जो मुझे आजकल थोड़ी ज्यादा खा रही, आजादी देश को दिलाती, आप नशे से देश को आजादी दिलाती, नशा मुक्त कर दीजिए. आपके कोई दोस्त की अगर नशा करते हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर, एक भाई के नाते कह रहा हूं, एक नेता के नाते नहीं कह रहा हूं, आपके सहयोगी के नाते कह, कोई नशा किसी भी तरह का करता है, उसको हाथ जोड़ के कहिए मत. इट लुक्स गुड, जस्ट अ पफ, दैट्स दैट.
लेट्स डू दिस, लेट्स जस्ट ट्राई एक्सपेरिमेंट फॉर वन डे. एक बार होता नहीं भाई, करो कोई दर्शन दिखाने के लिए गाड़ी के पास खड़ा होता है और फिर वैसे वो भी गिर जाता है भविष्य में. मैंने अपनी आंखों के सामने इतनी जिंदगियां बर्बाद होते देखी और मैं थोड़ा सा भावुक इस विषय को लेकर इसलिए होता हूँ क्योंकि जब मैं अपने ही लोकसभा क्षेत्र में पंजाब के साथ लगते एक इलाके में गया, अभी मैं एक घर में अफसोस करके निकला था, 23 साल का बच्चा उसका मिल गया, इकलौता बच्चा, ओनली सन फ्रॉम अ रिच फैमिली, टेकिंग ड्रग्स, ही जस्ट पास्ड अवे. आई वॉक आउट ऑफ हिज होम. I was just walking towards my car and got another call that another boy died who was nearly 20 years old. Their family tried to take him out of the clutches of that friend circle who used to take him for drug abuse. He went through all the process. He was all right. He was supposed to go to Dubai to be with his elder brother, who is his cousin. Just one day before his flight, his friends again came to him and said, let's go. Let's have a last thing in the name of our friendship. Ek aakhri sham dosti ke naam. Ye dialogue tha. They went to the jungle and he took the syringe. Overdose, because he came from the rehab center. It worked against him and he died on the spot. And those friends who wanted to spend the evening with him, they left him in the jungle. And look at the parents, what they went through with this synthetic drugs to other abuse these days. It has become a big, big challenge. So we have to create more awareness. When I talk to the youth, they say, आप बड़ी परेशानी है तो ये थोड़ा इसके करने से परेशानी से बाहर निकल जाए. वी नीड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर. वी नो हाउ टू हैंडल आवरसेल्फ्स. इट इज नॉट टेकिंग यू आउट ऑफ द प्रॉब्लम, इट इज पुटिंग यू इन द प्रॉब्लम. ऑल आई वांट टू से इज परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है. हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है. भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है. G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम 25 फरवरी से रायपुर में शुरू हुआ. भारतीय प्रबंध संस्थान IIM में आयोजित इस कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र की मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह थी. सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए युवाओं को भविष्य निर्माण में मदद मिल रही है. G20 के अंतर्गत Y20 एक बेहतरीन वैश्विक मंच है जिसके माध्यम से आप उन मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे जो देश और वर्तमान पीढ़ी के लिए लाभदायक है. आप जो चर्चा करेंगे G20 की मीटिंग में, वो बातें सामने आएंगी और इसका लाभ देश और दुनिया को मिलने वाला है. 2023 में Y20 इंडिया समिट भारत के युवा केंद्रित प्रयासों का उदाहरण होगा. वह दुनिया भर के युवाओं को अपने मूल्यों और नीतिगत उपायों को प्रदर्शित करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा. अपने संक्षिप्त प्रवास से वापसी के दौरान श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए कहा, सर आपका छत्तीसगढ़ दौरे के बारे में बताइए, कैसा आपका दौरा था? G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक ऐसा अवसर है कि हम अपनी कला, संस्कृति, साहित्य के साथ साथ देश में हो रही तरक्की को, देश में हो रहे नए कार्यक्रमों को उसको भी दिखा सकें. और ये अवसर है हमें भारत को एक नई दिशा जो मिल रही है मोदी जी के नेतृत्व में दिखाने का. इसी के अंतर्गत जो Y20 है, यूथ 20 का एंगेजमेंट, उस ग्रुप की बैठकें भी हो रही. तो आज IIM रायपुर में उसका एक एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, लोगों से चर्चा की गई, युवाओं के साथ संवाद किया गया, युवाओं के मनों के प्रश्नों के उत्तर किए गए. और मैं कह सकता हूँ देश को निर्माण में, देश के निर्माण में और देश को आगे ले जाने में युवाओं में आज एक भारी उत्साह है. वो मोदी जी के नेतृत्व में देश को बढ़ता देखते हैं, गर्व महसूस करते हैं और चाहते हैं
कि वो भी साथ में जुड़ के देश को आगे बढ़ाएं। विमानतल पर सभी मीडिया कर्मियों और भाजपा के पदाधिकारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी।